हेलो क्लास एट स्टूडेंट्स हम जे के बोस की साइंस पढ़ रहे थे इसमें हमने चैप्टर नंबर सिक्स शुरू किया है फ़ूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस चैप्टर में हमने अभी तक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा क्रॉप प्लांट्स के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि हमारे जे एंड के में कौन कौन सी मेन क्रॉप्स हैं और वो कहाँ ज़्यादा ग्रो करती हैं आज हम पेज नंबर सिक्सटी फोर पर कंटिन्यू करते हैं इन एडिशन टू क्रॉप प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल Crop plants के अलावा, पे फल फूल भी ज्यादा में उगाए जाते हैं कल्टिवेशन ऑफ दिस प्लाट्स कार्टिकल्चर और इनका कल्टिवेशन फल फूल सब्जियों का कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है हार्टिकल्चर दो वर्ड्स का बना है हॉर्टस मीन्स गार्डन एंड कल्ट्रा मीन्स कल्टिवेशन तो हॉटस का मतलब होता है गार्डन और कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टिवेशन करना दस हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डन कल्टिवेशन इसीलिए लिए हम आ, कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर का मतलब और गार्डन की कल्टिवेशन करना होता है बा, बाग बगीचे या बाड़ियाँ लगाना होता है सम एग्ज़ैम्पल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर गिवन इन टेबल सिक्स पॉइंट टू तो इंडिया में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो उगाई जाते हैं तो वो कुछ यहाँ इस टेबल में दी गई हैं इस साइड से टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं और इस तरफ से कुछ उसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स मीन सब्जियाँ तो सब्जियों में क्या क्या उगाया जाता है टमाटो ब्रिंजल लेडीज़ फिंगर ऑनियन गार्लिक जिंगर कैबेज पिंच कॉलीफ्लावर मेथी गॉड तो ये कुछ वेजिटेबल्स की एग्जाम्पल्स हैं टमाटो मीन्स टमाटर ब्रिंजल मीन्स बैंगन लेडीज़ फिंगर मीन भिंडी ऑनियन प्याज गार्लिक आ, लसन को गार्लिक कहते हैं जिंजर मींस अदरक कैबेज बंद गोभी कालीफ्लावर फुल गोभी मेथी को हम मेथी कहते हैं और बीटर गार्ड मीन्स करेला फ्रूट्स फ्रूट्स में आएंगे मैंगो बनाना ग्रेप गावा एप्पल सिट्रस फलम डेकोरेटिव डेकुरे, डेकोरेटिव प्लांट्स जो प्लांट सजावट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कर्टन कैक्टस एंड बोगनविलिया फ्लावर्स फूल रोज जैस्मिन मैरीगोल्ड तो ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं वाल्टर आर लॉरेंस हैज अ कंट्री ऑफ फ्रूट्स एंड एबिडेंट सेफरान तो वाल्टर आर लॉरेंस ने कहा है जो कश्मीर है ये फ्रूट्स का और सैफरान का देश है फ्रूट्स मीन्स फल एंड सैफरान मीन्स केसर ये इसका देश है ऑल्सो दियर वर वॉज नो अदर कंट्री विद सच ग्रेट फैसिलिटीज फॉर हॉर्टिकल्चर एज द इंडिजीनियस एप्पल एप्रीकॉट आलमंड रसबेरी वाइन पियर पीचिस प्लम्स मलबरी वॉलट चेरी कैन ग्रो कैन बी ग्रोन विदाउट डिफ़िकल्टी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ वैली तो उन्होंने कहा कि जैसी फैसिलिटी हॉर्टीकल्चर की यहाँ पे है ऐसी और कहीं भी नहीं है यहाँ पे कुछ इंडिजीनियस फ्रूट्स ग्रो होते हैं जैसे एप्पल एप्रीकाट एप्रिकॉट मीन्स खुबानी आलमंड मीन्स बदाम रसबेरी वाइन पियर पियर को टंग भी कहते हैं कश्मीरी में पीचिस प्लम्स मलबरी शहतूत वॉलनट अखरोट ये सब यहाँ पे बिना किसी डिफिकल्टी के बिना किसी मुश्किल से आसानी से उगाए जाते हैं हॉर्टिकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर अब जैंड के में हॉर्टिकल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं द स्टेट ऑफ जे के इज़ वेरी फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ इंडिजीनियस वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स तो हमारी जे के को आ, फ्रूट्स और फ्लावर्स के लिए माना जाता है ये बहुत ही फेमस है मशहूर है फ्रूट्स जैसे फ्रूट्स में हम यहाँ क्या ग्रो करते हैं एप्पल पीअर्स चेरीज प्लम्स वाइन पॉमिगनेट मलबरीज पीचिज एप्रीकॉट वॉलट आलमंड्स आर ग्राउंड इन कश्मीर तो ये सब जो फ्रूट्स हैं कश्मीर में उगाए जाते हैं सेब नाशपती चेरीज आड़ू आ, अंगूर अनार और शहतूत पीचीज जिन्हें हम चिल्डन कहते हैं कश्मीरी में एप्रीका्ट मीन्स खुबानी वॉलट मीन्स अखरोट आलमंड मीन बादाम ये सारे फ्रूट्स कश्मीर में उगते हैं एप्पल्स ऑफ कश्मीर पर्टिकुलरली अमरी वैरायटी फ़ाउंड इन शोपियन तहसील पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आर फेमस तो अब शोपियन भी एक डिस्ट्रिक्ट बन गई है तो यहाँ पे जो अमरी वैरायटी के एप्पल्स होते हैं वो बहुत ही फेमस हैं मैंगोस गावा बनाना ऑरेंज ब्लैकबेरीज और ग्राउंड इन प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन तो जम्मू रीजन्स में ये सभी फ्रूट्स ग्रो होते हैं जैसे मैंगो मैंगो मींस आम गावा अमरूद केला संतरा वगैरह ये जम्मू रीजन में उगाए जाते हैं 10 एकर्स ऑफ लैंड आर अंडर फ्रूट कल्टीवेशन 10 एकड़ की जमीन

जेंड के से बाहर बेचा जाता है और इससे कम से कम सालाना पचास करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट फ्रेश एंड ड्राई इज़ एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री थाउजेंड क्वाइंटल्स अगर इसकी एवरेज देखी जाए कि हम कितने फ्रूट को एक्सपोर्ट करते हैं चाहे वो फ्रेश हैं या ड्राई हैं आठ हज़ार तीन सौ तिरतालीस थाउजेंड क्वाइंटल्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं जफरान और सैफरान और कुंग सोन इन पाम्पोर इन कश्मीर रीजन एंड किश्तवाड़ एंड भद्रवा इन जम्मू रीजन जो सेफरान होता है जिसे हम जफरान या कुंग भी कहते हैं इसका कल्टीवेशन कश्मीर में पम्पोर के जगह पे होता है इसके अलावा जम्मू रीजन में ये किश्तवाड़ और भद्रवा में उगाया जाता है इन पम्पोर थ्री थाउजेंड एकर्स आर अंडर इट्स कल्टिवेशन वाइल वेरी स्मॉल क्वान्टिटी इज प्रोड्यूस एल्सवीर पाम्पोर में तीन हजार एकड़ की जमीन में इसका कल्टिवेशन किया जाता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में यह और कहीं उगाया जाता है इट इज़ अ कैश क्रॉप एंड इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड ये एक कैश क्रॉप है और ज़्यादातर इसे एक्सपोर्ट किया जाता है कैश क्रॉप का मतलब होता है एक ऐसा क्रॉप जिससे हमें बेच के फ़ायदा मिलता हो जिससे हमें प्रॉफिट होता हो इसे घर में कम इस्तेमाल किया जाता है तो बेच के इसका ज़्यादा प्रॉफिट आता है इसीलिए हम इसे कैश क्रॉप कहते हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सेफरॉन इन द स्टेट तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसका लीडिंग है प्रोड्यूसर मींस नंबर वन पे है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सैफरान प्रोड्यूस होता है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप को लगाने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस की जाती हैं क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए देयर आर आर सर्टेन कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए गुड क्रॉप क्रॉप किसी भी को को फसल को अच्छे से बनाने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं राइट काइंड ऑफ सॉइल गुड क्वालिटी सीड्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आर नेसेसरी टू अपटेन ए गुड क्वालिटी क्रॉप्स तो किसी भी फसल को अच्छे से बनाने के लिए कुछ चीजों को देखा जाता है जैसे कि सॉइल uh, कैसी है मिट्टी का अच्छा होना सीड्स का अच्छा होना रिक्वायर्ड अमाउंट का ऑफ वाटर का होना मीन्स पानी हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए जितने पौधों को पानी की जरूरत हो उतनी उतना पानी होना चाहिए और जो भी हम फसल लगाएंगे उसे हमने वीड्स और पेस्ट से बचाना है वीड्स का मतलब होता है हैटेड प्लांट्स ऐसे पौधे जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है उन्हें हमें उखाड़ के फेंक देना होता है ताकि वो हमारी फसलों का नुकसान ना करें और सॉइल से सारे मिनरल्स वो यूज ना करें एंड पेस्ट पेस्ट ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं ऐसे पेस्ट होते हैं पेस्ट का मतलब हिंदी में कीट होता है कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं ना कीटनाशक मीन पेस्टिसाइड्स तो पेस्ट होते हैं छोटे छोटे जो न, कीड़े होते हैं जो इन पे सब्जी वगैरह पे लगते हैं एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स नेसेसरी टू अ गुड क्वांटिटी क्वालिटी क्रॉप्स तो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो नंबर वन हमने इसमें पढ़ा था राइट काइंड ऑफ सॉइल राइट काइंड ऑफ सॉइल टू और टेन गुड क्रॉप्स क्रॉप प्लाट्स आर ग्रोन इन लार्ज नंबर इन फील्ड एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड फॉर दियर प्रोड्यूस अच्छी फसल को पाने के लिए हमें उन्हें बहुत बड़े बड़े खेतों में लगाना पड़ता है फिर जब हम उन फसल को काटते हैं तो उनसे हमें अच्छी पैदावार मिलती है वी मेजर द ईड ऑफ क्रॉप इन किलोग्राम सेंट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जो फसल हमें मिलती है उसकी मेजरमेंट हम किलोग्राम्स में करते हैं या तो टन्स में करते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से ए फील्ड नीड्स टू बी मैनेज प्रॉपरली इन ऑर्डर टू गुड क्रॉप तो जिस फील्ड में जिस खेत में हम वो फसल लगाएंगे उसकी भी उस खेत को भी हमने अच्छे से मैनेज करना होता है सम ऑफ द मेजर्स आर गिवन बिलो तो कैसे हम उस खेत को मैनेज करते हैं उसके लिए कुछ मेजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं द फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट आर एंड सॉरी एंड एयर आर एवडेंटलीबल तो उस खेत को क्या होना चाहिए ओपन जगह पे होना चाहिए ताकि उसे सनलाइट अच्छे से मिले धूप अच्छे से मिले और अच्छी भी हवा भी वहाँ पे अच्छी अवेलेबल हो द फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे कैटल्स एंड अदर सच ट्री स्पेसर्स दैट मे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स तो उस खेत को हमको बचाना है माल मवेशियों से बचाना है और तो और अगर कोई वहाँ कुछ कब्जा कर रहा हो उस खेत को तो उससे भी हमें उन खेतों को बचाना हो होता है ताकि हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचे द सॉइल शुड बी टर्न बिफोर सोइंग सो दैट द रूट्स ऑफ द यंग प्लांट्स कैन पेनिट्रेट इट इजिली फसल को लगाने से पहले हमें उसकी सॉइल को हमें उसकी मिट्टी को अच्छे से पतला करना होता है ताकि जो उसमें हम छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं जो हम उसमें पौधे लगाएं उनके जो रूट्स हैं उनकी जड़ें हैं आसानी से उस मिट्टी में जा सकें दिस हेल्प्स द प्लांट्स टू होल्ड फेमली ऑन द साइल इससे उन प्लांट्स के रूट्स को मिट्टी को पकड़ने में मदद मिलती है ऑल्सो द रूट्स आर वेल वेंटिलेटेड और जो जड़ें होती हैं उनको वेल well वेंटिलेशन मिलता है मीनस उन्हें वहाँ अच्छी एयर की क्वालिटी भी मिलती है रूट्स आर रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स प्लांट नीड लूजेंड सॉइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फॉर ए गुड ईल्ड ऑफ द प्रोडक्ट जो रूट्स होते हैं जो जड़ें होती हैं जो रूट्स क्रॉप होते हैं रूट क्रॉप में हमने पड़ा स्वीट पटाटो और जो ट्यूबर क्रॉप होती हैं ट्यूबर क्रॉप में हमने पटाटो पड़ा था तो इनके लिए भी हमें सॉइल को काफ़ी लूज रखना पड़ता है ताकि इन क्रॉप्स की अच्छी से ग्रो हो ग्रोथ हो और हमें आगे इनका प्रोडक्ट अच्छा मिले द राइट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल जितनी ज़रूरत है पौधों को पाने की उतना पानी उसमें होना चाहिए उतना पानी उन्हें मिलना चाहिए द सॉयल शुड कंटेन सफिशेंट न्यूट्रेंट फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द प्लांट तो जो मिट्टी है मिट्टी में अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रेंट्स होने चाहिए ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो अनवांटेड प्लांट्स वीड्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द सॉइल सो दैट मेन क्रॉप्स गेट अनफ न्यूट्रेंट्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारी फसलों के साथ या मिट्टी में उन्हें हमें सबसे पहले वहाँ से निकाल के फेंक देना है उन अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं तो हमें उन्हें उखाड़ के फेंक देना है ताकि हमारी फसलों को सारा न्यूट्रेट मिले और हमारी फसलों को कोई नुकसान ना पहुडेंट okay, इस वीडियो में इतना ही हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू